हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BPSC 141 सामसामयिक विश्व और जो आपका महात्मा गांधी वाली बुक है उसका आज का हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 रहेगा। आज इसमें हम महात्मा गांधी का जो स्वराज था, महात्मा गांधी के स्वराज क्या है उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और जो चौथा चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4.2 स्वराज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक रहेगा स्वराज के बारे में आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम 4.3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीतिक स्वराज, 4.4 आर्थिक स्वराज, और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा सामाजिक स्वराज। ये तीन स्वराज हैं, राजनीतिक स्वराज, आर्थिक स्वराज और सामाजिक स्वराज। ये तीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 4.3, 4.4 और 4.5 ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को देखते हैं और क्या करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4.2 स्वराज के बारे में, ठीक है। देखिए 4.2 स्वराज, गांधी के आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों में, यानी महात्मा गांधी का जो आध्यात्मिक विचार था, यानी जैसे भाई धर्म को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, धर्म रिलीजन को लेकर के महात्मा गांधी का आध्यात्मिक विचार, या महात्मा गांधी जो पॉलिटिकल राजनीतिक विचार होता है, या महात्मा गांधी का सामाजिक विचार, या महात्मा गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे, विचारों में स्वराज की अवधारणा को बहुत महत्व दिया गया। यानी महात्मा गांधी जो हैं उनके जितने भी विचार हैं, चाहे राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, आध्यात्मिक हैं, सभी में स्वराज को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उनके लेखन और भाषणों में इसका स्थान मिलता है। यानी भैया महात्मा गांधी जब कहीं पर भी भाषण देते थे तो अपने भाषणों में वह स्वराज का जिक्र बहुत ज़्यादा करते थे, चाहे वह किसी भी प्रकार की बातें कर रहे हैं, चाहे आर्थिक पैसे लेकर के पैसे की बात हो रही है, चाहे राजनीति की बात हो रही है, किसी भी प्रकार की बातें होती थी तो स्वराज का जिक्र उसमें जरूर होता था, ठीक है। देख दीजिए, उन्होंने भारतीय लोगों की भावनाओं को जागृत करने के लिए स्वराज के अर्थ को अपने अनुसार, समय के अनुसार मूल्यांकन किया था। यानी महात्मा गांधी जी जो स्वराज की बात करते थे वह भारतीय लोगों की भावनाओं को, कह रहे ना, भारतीय लोगों की भावनाओं की, यानी जो हमारे जनता थी, जो आम आवाम थी, हमारे जो भारतीय लोग थे, उनकी भावनाओं को जगाने के लिए, उनकी भावनाओं को जगाने के लिए स्वराज को, स्वराज के अर्थ को अपने अनुसार, यानी महात्मा गांधी का जो स्वराज का जो अर्थ होता था, महात्मा गांधी अपने अनुसार स्वराज के अर्थ का मूल्यांकन किया है और स्वराज सबका इस्तेमाल किया। यानी महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, क्या करें भैया, जो महात्मा गांधी हैं वह स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वह भारतीय लोग जो हैं, आम जो जनता होती थी, उनको जागरूक करने के लिए या आंदोलन में आंदोलित होने के लिए, ताकि सभी लोग महात्मा गांधी के आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लें, इसलिए महात्मा गांधी जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग अपने अनुसार करते थे, ठीक है। और इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके अनुसार स्वराज शब्द एक पवित्र शब्द था। यानी महात्मा गांधी के अनुसार क्या भैया, कि जो स्वराज शब्द है बहुत पवित्र है, यानी क्या है, बहुत पवित्र शब्द है, एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है स्वशासन। यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया जो स्वराज है बहुत पवित्र शब्द है और यह एक वैदिक, यानी वैदिक का मतलब होता है कि वेदों के द्वारा आया हुआ शब्द है, यानी वेद पुराण जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति रही है उसके द्वारा कह सकते हैं, यानी वैदिक शब्द है, जिस स्वराज का मतलब होता है स्वशासन। हमारे देश में भैया क्या था, अंग्रेजों का शासन था, हमारे देश में क्या करते थे, अंग्रेज हम पर शासन करते थे, तो महात्मा गांधी कहते थे कि हमें अपना शासन चाहिए, यानी हम लोग खुद शासन करें, हम पर तो विदेशी शासन कर रहा हूं, अंग्रेज शासन कर रहा, भाई उसको मार के भगाना है यहां से, यानी हमें अपना शासन स्वयं करना है। यानी महात्मा गांधी के स्वराज का अर्थ क्या था, स्वशासन और आत्मा संयम, यानी आमे आत्म संयम, यानी संयम, यानी महात्मा गांधी के स्वराज का मतलब है स्वशासन, यानी भारतीय लोगों का शासन होना चाहिए और आत्म संयम। गांधी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज उसी के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हमें स्वराज प्राप्त करना है तो राष्ट्रीय स्वराज उसी के माध्यम से हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर व्यक्ति
स्वयं अनुशासित रहेगा और अपने निर्णय स्वयं लेगा। तो जो व्यक्ति कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उसके लिए क्या है कि हमें देश के लिए भी वही आवश्यक है। यानी राष्ट्रीय स्वराज जो होगा वह हमें व्यक्तिगत स्वराज के माध्यम से प्राप्त होगा। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भैया कि हमें जो स्वराज, राष्ट्रीय स्वराज जो हमें प्राप्त करना है, हमें अपना शासन देश में कायम करना है, तो हमें वह व्यक्तिगत स्वराज से प्राप्त होगा। यानी जब हमारे देश में सभी व्यक्ति जो स्वराज को लाने के लिए अरे भैया पूरे देश में सभी लोग स्वराज को लाने के लिए आगे आएंगे, आंदोलन करेंगे या वो सोचेंगे कि भैया हम लोगों का शासन होना चाहिए, तभी तो देश में राष्ट्रीय स्वराज आएगा। तो यानी प्रेरित करने के लिए आवश्यक था। गांधी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज के साथ व्यक्तिगत स्वराज को प्राप्त करने के तरीके समान हैं। यानी महात्मा गांधी कहते थे राष्ट्रीय स्वराज को प्राप्त करने के साथ साथ जो व्यक्तिगत स्वराज को प्राप्त करने के तरीके हैं वही राष्ट्रीय स्वराज को प्राप्त करने के तरीके हैं। यानी व्यक्तिगत स्वराज और राष्ट्रीय स्वराज दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में स्वराज लेकर के आएगा तो हमारे देश में स्वराज आएगा। जो व्यक्ति खुद निर्णय ले रहा है, जो खुद इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र है, वह व्यक्ति देश को भी स्वतंत्र देखे, उस व्यक्ति के मन में भी देश को स्वतंत्र करने की विचार रहेगा, मन में उसकी भावनाएं रहेंगी। यानी महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज जो है भैया, जब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, जब हम लोग खुद स्वतंत्र होंगे, जब अंग्रेजी विचारधारा को छोड़ेंगे, खुद स्वतंत्र रहेंगे, तभी हमारे देश में स्वराज। अरे भैया लोग ही तो स्वराज को लेकर गएंगे, कोई बाहर के इंसान थोड़ी आएगा। यानी वही कह रहे हैं कि हमें भारतीय लोगों को जगाना पड़ेगा। जब भारतीय लोग स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं लेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, तभी वह देश में राष्ट्रीय स्वराज को लाया जा सकता है। यानी एक दूसरे के पूरक थे। गांधी का कहना था स्वशासन पूरी तरीके से आंतरिक शक्ति और बाधाएं से लड़ने की क्षमता निर्भर करती है। यानी महात्मा गांधी कहते थे जो स्वशासन है वह आंतरिक शक्ति और बाधाओं से लड़ने की क्या करता है, क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कहते हैं कि जो स्वशासन होता है, हमें जो हमारी आंतरिक शक्ति होती, जो बाधाएं होती है, उससे लड़ने की हमें क्षमता पर निर्भर करता है या बताता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वशासन अर्थात बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों के लिए स्वशासन व्यक्तिगत स्वशासन से बेहतर नहीं है। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो शासन है, यानी पॉलिटिकली जो शासन है, जो हमारा शासन है, राजनीतिक जो शासन अर्थात बड़ी संख्या में जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए जो स्वशासन है व्यक्तिगत स्वशासन से बेहतर नहीं है। यानी कहते थे कि अगर हमारे देश में जो महिला पुरुष हैं व्यक्तिगत रूप से अगर वह स्वशासन रहेगा और अपने निर्णय स्वयं लेंगे, तो हमारा जो राजनीतिक स्वशासन रहेगा वह भी काफी बेहतर रहेगा और इसके लिए उसे ठीक तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस तरह से व्यक्तिगत स्वशासन हासिल किया जा सकता है। यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर हमें अपने देश में स्वराज लाना है, ठीक है, अगर हमें अपने देश में स्वराज लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया व्यक्तिगत स्वशासन, यानी देखो व्यक्तिगत जिन व्यक्तियों के जीवन में खुद का स्वशासन रहेगा, स्वयं शासित रहेंगे, वो देश में भी शासन लाने का काम करेंगे। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि हमें स्वराज की बात करते थे और महात्मा गांधी अपने भाषणों में हमेशा स्वराज की बातें करते थे, चाहे वो आर्थिक बातें करें, चाहे राजनीतिक बातें करें, चाहे आध्यात्मिक बातें करें, हर जगह स्वराज की बातें करते थे। क्योंकि आपको पता कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और देश के लोगों को महात्मा गांधी जगाते थे भैया कि हमें अपनी सरकार बनानी है, इन अंग्रेजों को खदेड़ के भगाना है। यही है महात्मा गांधी का स्वराज। यानी स्वराज का मतलब होता है स्वशासन, अपना शासन, यानी भारतीय लोगों का शासन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज रूल करते थे, अंग्रेज शासन करते थे, उन अंग्रेजों को यहां से भगाना था। इसलिए भारतीय लोगों को मोटिवेट करते थे महात्मा गांधी कि भाई तुम अंग्रेजों को भगाने के लिए आ गया हो, तभी तो हमारी सरकार बनेगी। यानी भारतीय लोगों के तभी तो देश आजाद होगा, जब देश आजाद होगा तभी तो हमारा अपना शासन आएगा। तो महात्मा गांधी स्वराज की जो बात है वह हमें स्वराज में, यानी अपना राज, स्व माने अपना, राज माने राज, भैया अपना सरकार आ जाए, अपना राज आ जाए, उसी को अपना स्वशासन, यानी अपना शासन या स्वराज, स्व माने अपना और राज माने राज, यानी अपना राज आ जाए, यानी अपने राज्य की बात करते थे। ये हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी इस प्रकार की बातें करते थे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए राजनीतिक स्वराज क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, राजनीतिक स्वराज। देखिए महात्मा गांधी का मानना था प्रचलित शर्तों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सरकार की
व्यवस्था होनी चाहिए। यानी महात्मा गांधी मानते थे कि जो प्रत्येक राष्ट्र है उसकी एक अपनी सरकार होनी चाहिए। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि प्रचलित तत्वों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोगों का शासन हो। यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया दुनिया में जितने देश हैं सबकी अपनी एक एक सरकार होनी चाहिए, सबकी अपनी सरकार होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का शासन हो। यानी वहाँ के लोगों का शासन हो। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जब अपनी सरकार रहेगी, अपने लोगों की सरकार रहेगी वही अच्छा है, क्योंकि विदेशी अगर शासन करेगा तो भैया खून चूसेगा, होगा होता ही है, और अंग्रेजों ने हमारे देश को खोखला कर दिया। तो वही कह रहे हैं महात्मा गांधी, कह रहे हैं भैया कि प्रत्येक देश हो, कोई भी देश हो, प्रत्येक राष्ट्र में लोगों की अपनी सरकार होनी चाहिए जिसमें लोगों का अपना शासन होगा। स्वराज उनकी अवधारणाओं का सार से यह पता था कि सत्ता लोगों के हाथ में। यानी महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा से पता चलता था कि महात्मा गांधी कहते थे जो सत्ता है अपने लोगों के हाथों में होनी चाहिए, अंग्रेजों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे भैया जो सरकार है वह हमारे भारतीय लोगों के हाथों में होनी चाहिए, उन अंग्रेजों के हाथों में सरकार नहीं, यानी सत्ता लोगों के हाथों में होनी चाहिए। लोगों का मतलब भारतीय लोग या अपने लोगों के हाथों में होनी चाहिए। उन्होंने नैतिक अधिकार के आधार पर एक लोकतांत्रिक राज्य का लक्ष्य है। नहीं, महात्मा गांधी का जो नैतिक आधार था उसके आधार पर महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जो स्वराज हो लोकतांत्रिक हो, यानी डेमोक्रेसी के अनुसार। यानी महात्मा गांधी अपने नैतिक आधार पर कहते थे कि लोकतांत्रिक राज्य, यानी जब स्वराज आएगा, जब अपना राज आएगा, जब अपनी सरकार आएगी, हमारा शासन आएगा तो कैसा होगा, तो महात्मा गांधी कहते थे लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी सबके समर्थन से, यानी सबके सपोर्ट से, यानी लोगों का शासन, लोकतांत्रिक शासन का लक्ष्य रखा था। यानी महात्मा गांधी कहते थे लोकतंत्र का लक्ष्य मानते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र असंभव हो गए यदि सत्ता सभी के द्वारा साझा नहीं की जाती है। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि लोकतंत्र असंभव हो गए यदि सत्ता सभी के द्वारा साझा नहीं की जाती। यानी महात्मा गांधी कहते हैं अगर लोकतंत्र लाना है तो डेमोक्रेसी अगर लाना है तो सभी लोगों को उसमें साझा होना पड़ेगा, यानी सभी लोगों की उसमें सहमति होनी। अरे भैया लोकतंत्र का मतलब वही कि जब सभी लोग सरकार को चुने और सरकार को चुनने में, यानी महात्मा गांधी कहते थे ये देखो उन्होंने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र तभी संभव होगा यदि सत्ता सभी लोगों के द्वारा साझा नहीं की जाती है। गांधी अब्राहम लिंकन के लोगों की, लोगों के लिए, और देखो महात्मा गांधी लिंकन की जो लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार लोकतंत्र की अवधारणा से प्रभावित थे। यानी महात्मा गांधी जो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो परिभाषा है उसमें महात्मा गांधी उससे क्या थे, बहुत प्रभावित थे। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि स्वराज आए, अपना राज आए, जब अपना राज आएगा तो कैसा होगा भैया, वो लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेसी के अनुसार होगा। यानी क्या होगा, वह लोकतांत्रिक होगा और वह डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होगा। और महात्मा गांधी जो है अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है उससे काफी वो प्रभावित थे, क्योंकि अब्राहम लिंकन की परिभाषा है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, उस परिभाषा से बहुत प्रेरित थे। ठीक है, उससे प्रेरित थे और वह स्वराज की बात करते थे, भारत में राजनीतिक स्वराज आए, यानी भारतीय लोगों का अपना शासन आए, हमारा देश आजाद हो, हमें हमारी अपनी सरकार आए तो वह सरकार कैसी होगी, अपना शासन कैसे होगा, लोकतांत्रिक शासन होगा, सभी के उसमें साझी यानी सभी का उसमें समर्थन यानी रोल होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहे हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट में देखो कह रहे हैं कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा से काफी प्रभावित थे। गांधी ने कहा क्या करें, गांधी ने कहा कि लोकतंत्र के तहत व्यक्तिगत राय और गतिविधि की स्वतंत्रता की जमकर के रक्षा। यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर लोकतंत्र आए तो हमें व्यक्तिगत राय यानी लोगों की जो राय है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, लोग कुछ भी बोले अलाउड होना चाहिए। यानी देखो गांधी ने कहा कि लोकतंत्र के तहत जब उन्होंने बोला कि भाई स्वराज चाहिए, अपना राज जाएगा, लोकतंत्र रहेगा, तो उसमें लोगों की जो व्यक्तिगत राय है और जो उनकी गतिविधि है यानी स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, जमकर के रक्षा होनी चाहिए, महात्मा गांधी कहते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक व्यक्ति पूरी तरीके से निस्वार्थ होना चाहिए। उन्होंने, महात्मा गांधी कहते थे कि एक लोकतांत्रिक जो व्यक्ति होगा, देखो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए और वह भी निस्वार्थ होना चाहिए, यानी अपना स्वार्थ नहीं साधना चाहिए। यानी अगर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जो सरकार बने वह अपने स्वार्थ ना साधे बल्कि जनता की भलाई करने के लिए काम करे। यानी वही करें जनता के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति पूरी तरीके से निस्वार्थ होना चाहिए और उसे स्वयं के बारे में या पार्टी के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ
लोकतंत्र के बारे में सोचने, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हमारे देश में भैया लोकतंत्र आए तो उस व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि हमारे देश की लोगों के बारे में या हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसके बारे में सिर्फ सोचना चाहिए। वह चाहते थे कि लोकतंत्र में विचारों का स्वस्थ और ईमानदार अंतर हो, यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश में जो लोकतंत्र हो वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो, अच्छा हो तथा ईमानदार लोकतंत्र हो, भ्रष्टाचार नहीं चाहते थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी आए, अगर स्वशासन आए, हमारे लोगों का शासन आए तो वह लोकतांत्रिक शासन होगा और क्या होगा, वह सभी के लोगों के बारे में सोचेगा और सभी को स्वतंत्रता की महात्मा गांधी बात करते थे, और जो लोकतंत्र होगा वह निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करेगा, वह अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, वह लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। ठीक है, देखिए अगला। गांधी ने स्वराज की अवधारणा को एक लोकतांत्रिक विन्यास देने की कोशिश, यानी महात्मा गांधी जो थे वह लोकतंत्र को एक अलग रूप देने की हमेशा कोशिश करते थे। उनका मानना था कि देश की सरकार बहुसंख्यक लोगों की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जो सरकार हो, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र सरकार आएगी, तो वह जो बहुसंख्यक लोग हैं, यानी जो मेजोरिटी लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो लोग ज़्यादा हैं, उनकी इच्छा के अनुसार आधारित होनी चाहिए, जिसका वैक्स मताधिकार के माध्यम से पता लगाएं। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र आएगा तो वह जो बहुसंख्यक, यानी जो सरकार आएगी वो बहुसंख्यक, यानी जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत करके आएगा, और हमारे देश में वोट के द्वारा यानी मताधिकार के द्वारा सरकार का चुनाव होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि हमारे देश में अगर आएगा वैक्स मताधिकार का मतलब, यानी जो लोग बालिग लोग हैं, यानी 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग होंगे, यानी बालिग, एक सरकार उम्र तय करेगी भैया ये बालिग लोग हैं, ये वोट, यानी वैक्स मताधिकार से माध्यम से पता लगना चाहिए। ऐसी स्वराज सरकार का चुनाव करने वाले लोगों को राज्य में अपने हाथों में श्रम का योगदान देना चाहिए। यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर राज्य का चुनाव हो तो लोगों को राज्य में हाथों में क्या, श्रम का योगदान, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार को लाने में, यानी सरकार को लाने में, सरकार बनाने में योगदान देना चाहिए और श्रम का योगदान देना चाहिए। उनके अनुसार स्वराज से मेरा मतलब है कि भारत की सरकार लोगों की सहमति से हो। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर भारत में स्वशासन आए या अपना राज्य या स्वराज जब आएगा तो लोकतांत्रिक होगा, और क्या होगा, जो कि कहते थे उनके अनुसार क्या था कि ऐसी स्वराज सरकार का चुनाव हो, उनके अनुसार क्या था, स्वराज से मेरा मतलब था कि भारत के लोगों की कहते कि अगर भारत में सरकार बने, गवर्नमेंट बने, तो वह लोगों की सहमति से, भारत की सरकार लोगों की सहमति से, जो कि वैक्स आबादी महिला या पुरुष मूल रूप से या कहीं से आदिवासी लोगों की सबसे बड़ी संख्या के द्वारा पता लगाया जाता है, जिन्होंने अपने हाथों में श्रम करके राज्य की सेवा में योगदान दिया है। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि हमें एक ऐसी भैया सरकार चाहिए जो हमारे लोगों के अनुसार हो, हमारे देश में जो महिला पुरुष हैं उनके समर्थन से, उनके द्वारा, यानी जिन लोगों ने राज्य को बनाने में श्रम किया है, जिन लोगों ने इस देश को बनाने में या देश को गढ़ने में जो अपना योगदान दिया, श्रमिक जो योगदान दिया है, उन लोगों के सपोर्ट से, उन लोगों के अनुसार ही हमारे देश में सरकार होनी चाहिए, जिन्होंने मतदाताओं के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने की परेशानी उठाई है। नहीं कहते थे जिन लोगों ने सरकार को वोट डालने की परेशानी उठाई है उन लोगों के अनुसार इस देश में सरकार नहीं चाहिए। यानी हमारे देश में अगर लोकतंत्र आएगा, अगर हमारे देश में स्वराज आएगा तो अपनी सरकार आएगी तो लोकतांत्रिक आएगी और लोगों के द्वारा चुनकर ही सरकार आनी चाहिए। ये महात्मा गांधी ऐसा मानते थे। ठीक है, गांधी ने, देखो कह रहे हैं, गांधी ने सरकार के संसदीय स्वरूप को स्वराज की अवधारणा के तात्कालिक लक्ष्य के अनुसार, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमारे देश में सरकार आएगी तो संसदीय स्वरूप के, यानी जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट्री शासन, यानी हमारे देश में अगर सरकार बने तो संसदीय सरकार, यानी संसद हो, पार्लियामेंट हो, उसमें सारे देश को लोग चुनकर आए, इस प्रकार से बात करते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमारे देश में सरकार आए तो उसका संसदीय स्वरूप, यानी संसद, जैसे आज हमारे देश में देखो कि संसद के दो सदन है भैया, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, तो संसदीय स्वरूप होता है। और देश में देखो हमारे संसद शासन क्या, एक हमारी केंद्र सरकार होती है, एक हमारी राज्य सरकार होती है, तो हमारे देश में अगर सरकार आए तो संसदीय रूप में रहे, स्वीकार हो, आधुनिक काल में उसकी स्वराज की भारत में संसदीय सरकार थी। यानी महात्मा गांधी कहते थे आधुनिक काल में
उनकी स्वराज भारतीय संसदीय सरकार, यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में एक संसदीय सरकार हो, पार्लियामेंट्री शासन हो, और भारत में जो सरकार है वह संसदीय सरकार भी है। उन्होंने तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य के रूप में संसदीय स्वराज का समय, यानी महात्मा गांधी ने बोला था कि उनका राजनीतिक उद्देश्य था कि एक संसदीय स्वराज हो, यानी जो हो संसदीय सरकारें जो होती ज्यादातर वो जनता से चुन करके आती हैं, ठीक है, नहीं जनता, नहीं महात्मा गांधी कहते थे संसदीय स्वराज का उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन इसके लिए एक आदर्श रूप भी प्रयास, नहीं महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमारे देश में संसदीय सरकार हो तो उसके लिए एक प्रयास भी महात्मा आदर्श रूप, यानी आदर्श हो, यानी अच्छी हो, ईमानदार हो भैया, भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मूल रूप से गांधी बहुमत के शासन को केवल इस हद तक चाहते थे कि इसे सामूहिक या सामाजिक इच्छा की अभिव्यक्ति मानी, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जो हमारे देश में संसदीय सरकार बने, जो शासन आए वह बहुमत के आधार पर आए। देखो कोई भी सरकार अगर बहुमत के आधार पर चुनी जाएगी तो महात्मा गांधी को लगता था कि यह सबकी इच्छा के अनुसार है, यानी सभी लोग चाहते हैं इस प्रकार की सरकार आए, यानी महात्मा गांधी चाहते थे भैया कि सबके अनुसार चुनी हुई सरकार आए, तो सबके अनुसार चुनी हुई सरकार तभी आएगी वो सिर्फ संसदीय में, और संसदीय में भी क्या कैसे चाहिए कि बहुमत के आधार पे, यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि बहुमत के आधार पे हमारे देश में एक संसदीय सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जा सके, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र भी होने, यानी महात्मा गांधी कहते थे जो संसदीय लोकतंत्र हो सहभागी, सहभागी का मतलब होता है उसमें लोगों की भागीदारी हो, आम जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, इसमें सरकार को एक लोकतांत्रिक रचना शामिल थी, यानी इसमें क्या थी, सरकार एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी जो संरचना उसमें शामिल थे, जिसमें व्यक्तियों के विचार हो, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता हो, निर्णय लेने तथा क्रियान्वयन, महात्मा गांधी कहते थे जो हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगी, लोगों की विचार होंगे, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी होगी, लोगों की स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, अधिकार होगा, इस प्रकार की चीजों को उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें प्रक्रिया में भाग ले सकें, लोगों को अपने हाथों में राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से समझा, नहीं महात्मा गांधी कहते थे कि जो सरकार हो लोगों के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, यानी लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति रखने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होने चाहिए, ताकि सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्वशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी के नियंत्रण से बचाए, नहीं महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, तो सरकार को चुनने की जो शक्ति है, जो पावर है, वह जनता के हाथों में होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के हाथों में, यानी जनता के हाथों में उसकी सारी शक्ति होनी चाहिए। गांधी ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा से जनता से अवगत, नहीं महात्मा गांधी जो थे अपनी शक्ति से उन्होंने क्या किया था, जनता को प्रतिष्ठा से अवगत कराया, जमीनी अंतर स्वराज यानी वास्तविक स्वराज से एक लोकतांत्रिक रचना का निर्माण, यानी महात्मा गांधी जो थे वह स्वराज के माध्यम से, यानी हमारे देश क्या था, हमारे भैया हमारा देश गुलाम था, यानी इंडिया क्या था, गुलाम था, अंग्रेज गुलाम था, तो महात्मा गांधी कहते थे कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज का मतलब हमें अपनी सरकार चाहिए, और महात्मा गांधी जब बात होती थी भैया कि जब मान लो हमारी सरकार आ गई, अंग्रेज चले गए, तो महात्मा गांधी कहते जब अंग्रेज चले जाए हमारी सरकार आएगी तो एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी जाए और बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, यानी सभी लोगों का उसमें योगदान होना चाहिए, और इस प्रकार से हमें अपनी सरकार, ताकि सभी लोगों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, क्या हो, और सभी को स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, अधिकार हो, और एक हमें लोकतांत्रिक और संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली सरकार होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक स्वराज यानी राजनीतिक स्वराज है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको यही चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, क्या रहेगा भैया, आर्थिक स्वराज, क्या है नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा ये आ गया, ठीक है। देखिए गांधी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देने के कारण राजनीतिक, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे देश में जब आर्थिक नियंत्रण हटा, यानी हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो हमारा राजनीतिक नियंत्रण भी खो दिया, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमें राजनीतिक नियंत्रण मजबूत करना है तो हमें आर्थिक नियंत्रण मजबूत, नहीं महात्मा गांधी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर जब नियंत्रण खोया तो उसने अपना पॉलिटिकली नियंत्रण जो था वो खत्म कर दिया। अपने संपूर्ण ग्रंथ हिंद स्वराज में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत क्यों हारा, नहीं महात्मा गांधी की एक बुक है भैया हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में उन्होंने एक पूरा जो चैप्टर है भारत क्यों हारा, इसको भारत क्यों हारा का मतलब भारत क्यों गुलाम हुआ या भारत अंग्रेजों के गुलाम क्यों हुआ, इसको उन्होंने पूरी डिटेल में लिखा है। यह अध्याय अंग्रेजों के द्वारा भारत की दास्ता के लिए आर्थिक तर्क दे, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिया, हमारा देश गुलाम हो गया, उसका कारण है आर्थिक,
उसका कारण है महात्मा गांधी उसका आर्थिक तर्क देते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत जो हारा है, भारत जो गुलाम हुआ, भारत जो आर्थिक दास्ता है यानी जो गुलाम हुआ, उसका रीजन क्या है, आर्थिक तर्क बताते हैं, यानी इकोनॉमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आर्थिक तर्क देते हैं उन। यह आगे चल करके एक अच्छी आर्थिक प्रणाली के लिए गांधी का दृष्टिकोण बताते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जो दोस्त गुलाम हुआ है उसका रीजन है फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिक स्थिति, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, यानी हम लोग आर्थिक स्थिति खराब होती इसलिए भारत गुलाम बन जाता है। और महात्मा गांधी के यह दृष्टिकोण बताते हैं, गांधी की स्वराज की अवधारणा में आर्थिक स्वराज भी शामिल था। यानी महात्मा गांधी का जो स्वराज है, जो अपना राज है, उसमें आर्थिक स्वराज की बातें शामिल हैं, उसमें क्या है, आर्थिक स्वराज भी शामिल था, जो इसकी समग्रता में मानवीय स्थिति, यानी इसकी जो समग्रता, यानी जो पूरा विशाल रूपरेखा जो स्वराज की है, उसमें आर्थिक स्वराज के बिना काम नहीं करेगा। यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर हमें अपना शासन चाहिए, अगर हमें अपना राज चाहिए, अगर हम अपनी सरकार चाहिए, तो हमें आर्थिक रूप से भैया पैसा कौड़ी के रूप से भी हमें मजबूत बनना पड़ेगा। अरे अंग्रेज को भगाना है, यहां से भगाना है, तो उसके लिए हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। यानी हमें स्वराज प्राप्त करना, उसके लिए हमें अपने आर्थिक स्वराज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, आर्थिक स्वराज के बिना काम नहीं चलेगा। स्वराज अगर हमें प्राप्त करना है, अगर हमें देश में अपना राज लाना है, अपना शासन लाना है, स्वराज प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्थिक स्वराज के बिना इसका काम नहीं चलेगा। गांधी के लिए आर्थिक विकास स्वराज की अवधारणा, गांधी के लिए जो आर्थिक विकास था वह स्वराज की अवधारणा, यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो आर्थिक विकास होगा वह स्वराज की अवधारणा से संबंधित था। आर्थिक निर्भरता व्यक्ति और राष्ट्र के लिए स्वयं को स्वराज के निर्णय लेने की अनुमति, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति पर अगर डिपेंड है, अगर निर्भर है, तो व्यक्ति कभी भी स्वराज नहीं है, अपना निर्णय कम है। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति है, अगर पैसा कौड़ी को लेकर किसी दूसरे पर आश्रित है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी निर्णय नहीं ले पाएगा। वही कहते हैं भैया कि महात्मा गांधी कि जो देश आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत नहीं रहेगी, और जो कंट्री, जो देश रहेगा वह आर्थिक आधार पर किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा, उस देश में कभी स्वराज नहीं आएगा। तो वही महात्मा गांधी कहते हैं कि आर्थिक निर्भरता व्यक्ति और राष्ट्र को स्वयं के स्वराज यानी निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। जो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड है पैसे के लेकर के, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेगा। और जो देश पैसा कौड़ी को लेकर के दूसरे पर निर्भर है, वह कभी भी देश स्वतंत्र नहीं हो सकता है, अभी कभी भी वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगा। अब जैसे बात करें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है, चीन का पूरा वो हो गया, देखो तो चीन वाले पूरा पैसा देते पाकिस्तान को, तो वही करें कि पाकिस्तान जो अब निर्णय नहीं ले पा रहा ना, अब भारत पर बमबारी क्यों करता है, क्योंकि चीन वाला कहता है कि भारत पर बम फेंक दो, तो वो बम फेंक देता हम लोगों को, या बॉर्डर पर क्या करता है, गोलीबारी करता है, लेकिन भारतीय जो सेना होती है उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यक्ति पैसे को लेकर के दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेगा, जिस प्रकार वो स्वतंत्र नहीं होगा, उसी प्रकार से अगर कोई कंट्री है, अगर हमारा देश अगर आर्थिक आधार पे अगर किसी पर निर्भर रहेगा, तो हमारा देश भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, यानी निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती है। यानी अगर हमें स्वराज प्राप्त करना है, अगर हमें, तो उसके लिए हमें आर्थिक, सबसे पहले अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा, आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम स्वराज यानी अपनी स्वतंत्रता और अपने शासन को प्राप्त कर पाएंगे। और महात्मा गांधी आर्थिक स्वराज के लिए सबसे पहले ग्राम विकेंद्रीकरण यानी ग्राम स्वराज की बात करते थे। यानी भैया हमें अपने गाँव को मजबूत करना पड़ेगा, अगर हमारे गाँव मजबूत हो गए, क्योंकि भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि और हमारा जो पूरी तरीके से जो अर्थव्यवस्था है तो गांव पर डिपेंड करती थी। अगर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। अगर भारत को आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो सबसे पहले हमें गांव पर ध्यान देना पड़े, यानी ग्राम स्वराज पर, यानी गांव जो है वह मजबूत बने, आर्थिक आधार पर हमें गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा। यानी ग्राम विकेंद्रीकरण यानी ग्राम स्वराज, आपने सुना ग्राम स्वराज योजना जो चलती है, यानी गांव को भी बेहतर बनाना पड़ेगा, यही बात इसमें बताई गई। देखो क्या करें, गांधी ने प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर ही कहे, महात्मा गांधी कहते थे जो गांव है वो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी किसी पर डिपेंड नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जो प्रत्येक गांव है उसको एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा है, उनका झुकाव कुटीर उद्योग और विकास की ओर था, ना कि बड़े पैमाने पर। यानी महात्मा गांधी कहते थे हमारे जो गांव में क्या था भैया,
छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते थे, छोटे छोटे देखा होगा हमारे देश में छोटे। तो महात्मा गांधी कहते थे कि जो गांव में जो कुटीर उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, उस पर उस विकास पर महात्मा गांधी का ध्यान ज्यादा केंद्रित था, ना कि बड़े जो औद्योगिक बड़े बड़े शहरों में जो कंपनी वंपनी लेती उस पर महात्मा गांधी ज्यादा जोर नहीं देते थे। महात्मा गांधी गांव पर जोर देते थे और गांव में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते हैं उस पर उनका ध्यान ज्यादा था। उन्होंने महसूस किया कि एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था श्रम और भ्रष्टाचार के शोषण को कम, यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था रहेगी, अगर अर्थव्यवस्था जो रहेगी, अगर विकेंद्री यानी क्या रहेगी, अगर सारी शक्तियां किसी के ना, अगर जो हमारी अर्थव्यवस्था अगर विकेंद्रीकृत रहेगी तो हमारी जो व्यवस्था उसमें भ्रष्टाचार शोषण कम होगा, यानी भ्रष्टाचार नहीं होगा और जो शोषण है वह कम करेगी। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रकृति में सभी की आवश्यकता के लिए प्रचुर संसाधन, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि प्रकृति में सभी के लिए संसाधन मौजूद हैं, यानी खाने पीने के लिए प्रकृति जो है वह प्रचुर मात्रा में संसाधन है, लेकिन लालच के लिए नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि व्यक्ति जो है वह प्राकृतिक संसाधनों से अपनी सभी जरूरतें पूरा कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो लालच करेगा उसके लिए नहीं। गांधी का मानना था कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए विकेंद्रीकरण, महात्मा गांधी कहते थे अगर लोकतंत्र आए तो उसमें हमें विकेंद्रीकरण हमें रखना पड़ेगा, वो अच्छा रहेगा। गांधी ने कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इकाइयों की स्थापना की तुलना में छोटी उत्पादन की इकाइयों को विकेंद्रीकरण प्राथमिकता दी, वह उत्पादन इकाइयों को लोगों के घरों विशेषकर गांव में ले। नहीं, महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमें अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, क्या करें, ये पूरे लाइन का मतलब समझिए। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमें अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा तो हमें गाँव को मजबूत बनाना पड़ेगा और गाँव में जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो मजबूत होगी और हमारा जो देश होगा वो अर्थव्यवस्था की जो निर्भरता होगी हमारी, किसी पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। और जब हम किसी पर निर्भर रहेंगे तो हमें जो स्वराज है, जो हमें अपना राज लाना है, जो स्वतंत्रता हमें देश को दिलानी है, वह बहुत आसानी रहेगी। इसीलिए महात्मा गांधी जो है ग्राम स्वराज पर यानी हमारे गांव पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि अगर हमारे गांव मजबूत रहेंगे, क्योंकि हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वह गांव पर डिपेंड करती थी। क्या करती थी भैया? वह पूरी अर्थव्यवस्था हमारे गांव पर डिपेंड करती थी, और जब हमारे गांव मजबूत रहेंगे तो हमारा देश भी मजबूत बनेगा। तो इसीलिए देखा होगा कि हमारा जो ग्राम स्वराज योजना है, अब प्रेजेंट टाइम में भी अगर आपने देखा कि मोदी सरकार गांव पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, आज गांव में देखा कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों को बहुत ज्यादा फंड आता, बहुत ज्यादा पैसा आता, तो मौजूदा सरकार भी और महात्मा गांधी का आपने देखा कि हमारा देश का जब संविधान लागू होता तो उस टाइम ग्राम स्वराज नहीं, प्रेजेंट टाइम देखा होगा 1992 में क्या होगा 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन में ग्राम स्वराज को हमने संवैधानिक दर्जा, तो वही महात्मा गांधी का ही विचार था। महात्मा गांधी तो शुरू से चाहते थे कि इस देश में ग्राम स्वराज हो, जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो भाई कि जो गांव है, अगर विलेज जो हमारे हैं, हमें उनको आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा देश जरूर मजबूत होगा, और फाइनेंशियल यानी पैसे यानी अर्थव्यवस्था की अगर मजबूत करनी है तो गांव पर ध्यान देना पड़ेगा, और गांव में जो छोटे छोटे जो लघु कुटीर उद्योग है उन पर ज्यादा ध्यान पड़ेगा, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो होगी वो बहुत मजबूत बनेगी। यही महात्मा गांधी का एक था, और इसे महात्मा गांधी कहते थे गांव में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसी से हम दूर कर सकते हैं। यानी हमारे देश में जो भैया गरीबी और जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, यानी हमें हमारे गांव जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारे देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, इन सारी समस्याओं पर अगर हमें कंट्रोल करना होगा तो हमें गांव पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी ग्राम स्वराज जो है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमारे देश में बेरोजगारी है या गरीबी है, इन सभी प्रकार की समस्याओं पर, भुखमरी है, इन पर हम निजात पा सकते हैं या इन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, महात्मा गांधी का जो था स्वदेशी और खादी, महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, स्वदेशी यानी हमारे देश में जो कपड़े बनते हैं, जो चीजें बनती है, हमें उनका यूज, विदेशी चीजों का महात्मा गांधी कहते थे बहिष्कार किया जाए और खादी के कपड़े हमें पहनने चाहिए, क्योंकि हम खादी हमारे देश का है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे
तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। भाई अब मान लो कि हमारे देश में जो कपड़ा उपड़ा बनेगा अगर हम लोग वही पहनेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारा देश मजबूत बनेगा। अगर हम विदेशी कपड़े पहनेंगे तो क्या हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा तो हमारे देश में क्या होगी, गरीबी बनेगी। हमारे हमारे पास हम दूसरे के सामान खरीदेंगे तो अब मान लो प्रेजेंट टाइम में हम क्या है चीन का सामान खरीदते हैं तो हमारे देश मजबूत थोड़े। तो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे, यानी स्वदेशी क्या है भैया कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे देश में जो उत्पाद बनते हैं, हमारे देश में जो चीजें कपड़ा उपड़ा जो कुछ बन रहा है, अगर हम चीजें उन चीजों को अगर हम अपनाएंगे, अगर उन चीजों को पहनेंगे तो क्या होगा, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। और महात्मा गांधी खादी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे ताकि खादी को अगर हम पहनेंगे तो इसका उत्पादन हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, यानी अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंशियल रूप से आर्थिक रूप से हमारा देश क्या है बहुत ज्यादा मजबूत होगा। महात्मा गांधी का नारा था ना, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। तो ये सारी चीजें जो महात्मा गांधी कर रहे हैं ताकि हम स्वराज को प्राप्त कर सकें। जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। और भैया जब हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे तो हमें अंग्रेजों को भगाने में और हमें स्वराज प्राप्त करने में आसानी होगी, स्वशासन हमें अपना शासन आने में आसानी रहेगी। तो हमें भैया स्वदेशी और खादी पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये महात्मा गांधी कहते थे अपने आर्थिक स्वराज के बारे में बात करते हुए कहते थे। ठीक है, वही बातें सारी इसमें वही चीजें आपको लिखी गई हैं। ठीक है, देखो वही चीज करें, गांधी के स्वदेशी की अवधारणा ने स्थानीय उत्पादों को विरत है, महात्मा गांधी की जो स्वदेशी अवधारणा है जो स्थानीय उत्पाद है यानी जो हमारे गांव में जो प्रोडक्ट बनते थे, जो उत्पाद बनते थे, कपड़े लगते कुछ भी बनते थे, उसको बहुत ज्यादा वरीयता यानी उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना गया, भले ही वह निम्न श्रेणी के हों, कहीं से निर्मित चीजों के महंगे हो, साथ ही उन्हें स्थानीय निर्माताओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। गांधी ने स्वदेशी के सभी विदेशी सामानों का केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वह विदेशी हैं और एक देश के विनिर्माण के लिए प्रचार में राष्ट्रीय समय और धन बर्बाद करने के लिए अनुकूल नहीं था, यह गलत होगा कि और स्वदेशी की भावना के खिलाफ होगा। स्वदेशी आर्थिक क्रम में उत्पादन का स्वास्थ्य आदान प्रदान होगा और बाजार की ताकतों के खेल के माध्यम से गला काटने की प्रतियोगिता। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा, अगर भैया हम विदेशी कपड़े पहनेंगे और विदेशी चीजें तो हमारे देश का जो पैसा होगा बाहर जाएगा ना। तो यही तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, और जब हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो हमारा जो जगह आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। ठीक है, तो आर्थिक रूप से अगर हमें मजबूत बना है तो हमें स्वदेशी पर और खादी पर ध्यान दें, और हमें खादी के कपड़े पहनने देने के लिए पहनने पर महात्मा गांधी बहुत ज्यादा क्या करते थे, जोर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, सरपरस्ती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या ये हेडिंग है। ठीक है, देखिए गांधी के आर्थिक स्वराज का मतलब एक समतावादी समाज से भी था जो आगे चलकर के लोकतंत्र यानी राजनीतिक स्वराज का कारण होगा। यानी महात्मा गांधी जो आर्थिक स्वराज का मतलब था एक समतावादी समाज चाहते, यानी महात्मा गांधी जो है एक समता यानी सभी में बराबर समाज हो, सभी एक समाजवादी या समतावादी समाज चाहते जो आगे चल करके एक लोकतंत्र या राजनीतिक स्वराज यानी राजनीतिक स्वराज चाहते थे। वह कुछ के हाथों में बहुत ज्यादा के विचार के खिलाफ थे, अमीरों को समाज का सरपरस्त होना चाहिए और दलितों के कल्याण के लिए अपने संसाधन। यानी महात्मा गांधी कहते थे जो अमीर लोग हैं उनको समाज का सरपरस्त होना, यानी उनको समाज में आगे आकर के जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए कल्याणकारी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें उनके विचारों में मार्क्सवादी भावना झलकती, यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया जो समाज में अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वह समाज में आगे आना चाहिए, और देश में जो गरीब लोग हैं, गरीबी है, भुखमरी है, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये भी महात्मा गांधी का विचार है, इसी को सरपरस्ती। यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया कि जिसके पास रुपया है, पैसा है, उनको समाज में आगे आना चाहिए, और दलित जो हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी कल्याण की भावना से उनके संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें उनके जो विचार थे मार्क्सवादी भावना झलकती है। ट्रस्टीशिप समाज के वर्तमान पूंजीवादी स्वरूप को एक समतावादी स्वरूप में बदलने का एक संसाधन प्रदान करते हैं। यह पूंजीवादी का कोई महत्व नहीं देता लेकिन वर्तमान निर्माता मालिक वर्ग को खुद को सुधारने का मौका देते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मानव
स्वास्थ्य कभी भी आजादी से परे नहीं था। समाज कल्याण के लिए अनुमानित राशि को छोड़कर के या संपत्ति के निजी स्वामित्व के किसी अधिकारों को मान्यता नहीं देता। देखो महात्मा गांधी का ये जो कह रहे हैं सरपरस्ती का मतलब है, महात्मा गांधी कहते थे भैया कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको समाज में आगे आना चाहिए। अगर समाज में जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने में उन लोगों को योगदान। ट्रस्टीशिप का मतलब होता कि जो रुपए, जो उद्योगपति लोग हैं इनको कल्याणकारी योजना चलानी चाहिए। जब ये लोग कल्याणकारी योजना चलाएंगे तो हमारे देश में जो गरीबी होगी, गरीबी कम होगी, भुखमरी कम होगी। इस प्रकार की अगर समस्याएं अगर हम कम करेंगे तभी हमारे क्या आर्थिक रूप से हमारा देश मजबूत है। नहीं कहते थे कि जो भैया जो पैसे कौड़ी वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, अगर वो लोग आगे आएंगे तो हमारे देश में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अगर उसकी मदद पूंजीपति लोग करेंगे, अगर पैसे वाले लोग करेंगे, इससे क्या होगा, इससे भी हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। इसी को बोलते हैं सरपरस्ती बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जो हम देखेंगे महात्मा गांधी जो कहते हैं आजीविका आश्रम, क्या गांधी ने टीएम बोरेसफेंड की आजीविका और श्रम कानून से प्रभावित, यानी महात्मा गांधी जो हैं वह आजीविका और श्रम के कानून से काफी प्रभावित थे। टीएम जो थे, टीएम एक प्रकार से विचारक थे, ठीक है, विदेशी है, ठीक है, इससे काफी प्रभावित थे जो आजीविका और श्रम कानून से प्रभावित थे, जिसे रिस्किन और टॉल्स्टॉय से भी प्रतिपादित किया। यह कानून इस बात पर जोर देता था कि मनुष्य को अपने श्रम यानी काम और रोटी यानी आजीविका अर्जित, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जो हमारे लोग हैं यानी हमारे देश के लोगों को अपनी जो रोटी है, रोजी है, यानी अपना काम और रोटी स्वयं अर्जित करनी चाहिए। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि हमें आजीविका के लिए, यानी भैया हमें खाने के लिए हमें खुद श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, महात्मा गांधी इससे कहते थे। ठीक है, अगर सभी लोग अपनी रोटी के लिए श्रम करते हैं तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े, यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया कि सभी लोगों के लिए अपने रोटी के लिए और कपड़े के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर सभी लोग मेहनत करेंगे तो रोटी और कपड़ा कभी भी क्या होगा, पर्याप्त रहेगा। सभी अगर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया सभी व्यक्तियों को काम करना चाहिए, सभी लोगों को श्रम करना चाहिए और सभी लोगों को मेहनत चाहिए। अगर सभी लोग श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो रोटी और कपड़े की कभी भी कमी नहीं रहेगी और सभी के लिए पर्याप्त रहेगा और सभी के लिए रहेगा, वह स्वस्थ और खुश रहेंगे। नहीं कहते अगर सभी लोग श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उनके पास, कहते थे कि भैया अगर सभी लोगों को रोटी रोजी स्वयं कमानी चाहिए, अगर सभी लोग अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाएंगे तो उनको कभी भी रोटी और कपड़े की कमी नहीं रहेगी, सभी लोग स्वस्थ और खुश रहेंगे, भोजन की कमी, कोई बीमारी और दुख नहीं रहेगा। अगर भोजन की कमी नहीं रहेगी हमारे देश में तो ना तो कोई बीमारी होगी, ना तो कोई दुख होगा। उनका दृढ़ विश्वास था, यानी महात्मा गांधी का पूरा विश्वास था भैया कि शारीरिक श्रम के बिना कोई भी भोजन पाने का नहीं। महात्मा गांधी कहते थे अगर कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है तो वह भोजन पाने का अधिकारी नहीं, उसको खाना नहीं मिलना चाहिए। आज तो लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो ऐसे खा रहे ला, तो वही महात्मा गांधी कहते थे भैया कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता, शारीरिक श्रम नहीं करता था तो उसको भोजन पाने का हक नहीं, उसको खाना नहीं खाना चाहिए, राइट नहीं, अधिकार नहीं है। उन्होंने अमीरों को आजीविका कमाने के लिए शारीरिक, महात्मा गांधी कहते थे जो अमीर लोग हैं, अब जो उद्योगपति कंपनी लगा था तो महात्मा गांधी कहते जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम करनी, जो अमीर लोग हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए, उनको भी शारीरिक श्रम करना चाहिए, तब उनको भी कौन देता था, महात्मा गांधी उनको सलाह देते थे। गांधी की आर्थिक स्वराज की अवधारणा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए थी, यानी महात्मा गांधी की जो आर्थिक स्वराज की जो अवधारणा है वह व्यक्तियों के लिए भी है और पूरे समाज के द्वारा भी है, आत्मनिर्णय और आत्मसंयम पर। यानी महात्मा गांधी की जो आर्थिक स्वराज की अवधारणा है वह सभी व्यक्तियों के लिए बराबर है और पूरे समाज के लिए है, ताकि आत्मनिर्णय और आत्मसंयम पर आधारित थी। वह उपभोक्तावाद और लोगों के द्वारा धन को इकट्ठा करने, यानी महात्मा गांधी कहते थे उपभोक्ता है, यानी जो उपभोग करें, यानी कंजप्शन, यानी जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन, ठीक है। महात्मा गांधी उपभोक्ता, यानी लोग खाए जा रहे हैं, कुछ काम नहीं करता, खाता ही रहता, तो महात्मा गांधी जो लोग हैं वह उपभोक्तावाद, और जो लोग भैया धन बहुत इकट्ठा कर लेते, पैसा बहुत इकट्ठा कर लेते थे, इन लोगों के गांधी खिलाफ हैं, इन लोगों के खिलाफ थे। उन्होंने तब बताया जब लोगों ने आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया, यानी महात्मा गांधी बताया था कि महात्मा गांधी जो हैं वह धन इकट्ठा करने खिलाफ हैं, वह भोग करने खिलाफ हैं, काम नहीं कर रहा, दिन भर सुबह शाम खाता ही रहता, मोटा होता चला जा रहा है, इन सभी के खिलाफ हैं। तो महात्मा गांधी कहते थे भैया जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करे उसे ही खाना मिलना चाहिए।
ठीक है, व्यक्ति द्वारा एक इकाई और समाज के रूप में सामूहिक रूप से आत्मनियंत्रण भी स्वराज और आत्मनियंत्रण के एक प्रमुख अवधारणा। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि सभी व्यक्तियों को श्रम करना चाहिए, सभी व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, और जब वो मेहनत करें श्रम करें तभी उनको खाना खाना चाहिए। अगर सभी व्यक्ति श्रम करेंगे मेहनत करेंगे तो कभी भी रोटी और कपड़े की कमी नहीं रहेगी। इसलिए क्योंकि उस समय हमारे देश में भैया बहुत ज़्यादा गरीबी थी तो भुखमरी समस्या थी। तो महात्मा गांधी कहते थे अगर भैया 10 घर में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग कमाएंगे खाएंगे, तो अगर 10 लोग मेहनत करेंगे सारी श्रम करेंगे तो कभी भी खाने वाने की कमी रहेगी। क्योंकि उस देश आप तो पता होगा महात्मा गांधी देखो कितना हमारा देश बहुत गरीब था भैया, पुराना जमाना था, बहुत गरीब था। तो क्या था, वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भैया अगर सभी लोग कमाएंगे तो खाएंगे। तो महात्मा गांधी यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता, शारीरिक श्रम नहीं करता तो खाना नहीं मिलना चाहिए। वही कह रहे हैं कि भैया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग काम ही नहीं करते हैं, बस खाए जा रहा। तो वही महात्मा गांधी कि उस देश में, उस टाइम हमारे देश में बहुत गरीबी थी, तो इसलिए महात्मा गांधी कहे भैया सभी लोग मेहनत करो तो सभी के लिए रोटी मिलती रहेगी, यही कह रहे हैं। ठीक है, अगला सामाजिक स्वराज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, सामाजिक स्वराज के बारे में बताते हुए गांधी सामाजिक अस्तित्व की एक ऐसी स्थिति चाहते थे। यानी महात्मा गांधी जब सामाजिक स्वराज के बारे में बात करते थे तो महात्मा गांधी एक ऐसा समाज चाहते थे, एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति, यानी महात्मा गांधी जी एक ऐसा समाज चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति, धर्म हो, जाति हो, पंथ हो, लिंग हो, जन्मस्थान हो, निवास या खानदान की परवाह किए बिना सभी की समान सामाजिक स्थिति। यानी कहते थे कि महात्मा गांधी का सामाजिक स्वराज क्या है कि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे, निवास खानदान के आधार पे किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, यानी सभी को समान माना जाए। यानी महात्मा गांधी कहते थे किसी प्रकार का छुआछूत या चीजें नहीं होनी चाहिए, समाज में सभी लोग बराबर हों, उनको उन पर किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि परवाह के बिना सामाजिक स्थिति, यानी सभी लोग जो हैं वह समाज में बोल सकें, चाल सकें, अपने विचार रख सकें, किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी का सामाजिक स्वराज का मतलब है कि समाज में सभी लोग बराबर हों और समाज में जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, पंथ के आधार पर, खानदान के आधार पर, किसी भी प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को बराबर माना जाना चाहिए। इस प्रकार समाज किसी भी कृत्रिम और मानव निर्मित भेदों से रहित एकीकृत। यानी महात्मा गांधी कहते थे समाज में किसी भी प्रकार का कृत्रिम या मानव, किसी भी प्रकार का विभेद, छुआछूत, अंतर, जो हमारे देश में छुआछूत था, ऊंच नीचा, इस सारी चीजों को मिटाना चाहते थे। महात्मा गांधी कहते थे हमारे देश में जो है जातिवाद है, जो धार्मिक जो चीजें हैं, जो छुआछूत है, जो ऊंच नीच है, ये नहीं होनी चाहिए और समाज में सभी लोग बराबर होने चाहिए, तभी हमारा जो समाज होगा, जो सोसाइटी होगी, वह एकीकृत होगी, मिलेगी, तभी तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जब हमारा समाज मजबूत होगा, जब हमारा समाज एकजुट होगा और हमारे समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, तभी हम सामाजिक स्वराज को प्राप्त कर पाएंगे। अरे भैया तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे, अरे कैसे लोगे, जब समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातियां जब एक साथ होंगी, इंटैक्ट होंगी और सभी लोग मिलकर अंग्रेज खिलाफ अगर आह्वान करेंगे तभी तो हमारा देश आ जाएगा, तभी तो सामाजिक स्वराज की महात्मा गांधी। यह सामाजिक समानता, स्थिति और समानता और सभी अपने सदस्यों को समान गरिमा और प्रकृति और मानव निर्मित भेदों की परवाह किए बिना समान भावना से प्रेरित समाज होगा। नहीं, महात्मा गांधी कहते थे कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को समान माना जाए, सबकी समान सामाजिक समानता हो, समान सामाजिक स्थिति हो, सभी को समान गरिमा के साथ, यानी सभी के साथ सभी का समान मान सम्मान हो, गरिमा हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और समाज को जब हम प्रेरित करेंगे, जब हमारा समाज एकीकृत होगा, एकजुट होगा, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव, तभी हम आर्थिक यानी सामाजिक स्वराज को, यानी तभी तो भैया अंग्रेज के खिलाफ लड़ोगे, तभी तो हमारी अपनी सरकार आएगी, तभी तो हमारा, तो यानी महात्मा गांधी समाज को एकजुट करने की बात करते हैं। समाज में जो जातिवाद है, जो धर्मवाद है, जो छुआछूत है, इसको महात्मा गांधी नहीं मानते थे और सभी को एकीकृत यानी सभी को बराबरी लाने की, किसी प्रकार का भेदभाव, और महात्मा गांधी का सामाजिक स्वराज यही है। ठीक है, तो जितने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आत्मनिर्णय के रूप में स्वराज, तो देखो
4.6 है, महात्मा गांधी कहते थे कि जो आत्मनिर्णय यानी जो हम डिसीजन लेते हैं, जो आत्मनिर्णय लेते हैं उसमें भी हमें स्वराज होना चाहिए, यानी जो हम डिसीजन ले हमारे देश में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी महात्मा गांधी कहते थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हम लोग जो निर्णय ले उसमें भी, अरे भैया जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा उस वही तो सोचेगा देश भी स्वतंत्र, यानी हम लोगों को अपने जीवन में स्वराज चाहिए, यानी व्यक्तिगत स्वराज की महात्मा गांधी बात करते थे, यानी सभी व्यक्तियों के जीवन में स्वराज होना चाहिए, सभी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, यानी उसी को बोलते हैं आत्मनिर्णय। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश में जितने लोग हैं सभी आत्म नियंत्रण के रूप में होना चाहिए, सभी अपने निर्णय स्वयं ले, खुद ले और स्वतंत्र होने चाहिए, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा, तभी हमारे देश में स्वराज आएगा। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई, वैसे बहुत ज़्यादा कई बार ये पूछा नहीं जाता है, वैसे भी मैंने आपको ये बता दिया होता क्या है, वही सारी इसमें चीज़ें बताई गई और लगभग ये आपका जो चैप्टर है समाप्त हो गया है, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसमें जितने पॉइंट थे मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से हमारे चैनल पर क्लास होती है, इस सब्जेक्ट की और भी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के और भी क्लासेस देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।